मंत्री अब्बास नकवी ने यूरोपीय संगठन के आए एक समूह से वार्तालाप करी है और ये वार्तालाप के दौरान क्या कुछ सामने आया है, किस बारे में वार्तालाप की है, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को भारत दौरे पर आए यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करी है। इस दौरान नकवी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि पिछले 7-8 सालों में देश में सांप्रदायिक हिंसा का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि देश में सभी समुदाय के धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन किसी को भी जबरन धर्मांतरण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नकवी ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में कोई भेदभाव नहीं है और केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ी हुई है। 2014 में यह प्रतिशत 4 था और 4 से कम थी, जो अब बढ़ करके 10% हो गई है। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में अल्पसंख्यक वर्गों के 5.20 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी दी और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा एजेंडा चलाते हैं। और प्रतिनिधिमंडल ने कहा उठाया था कि अल्पसंख्यकों से भेदभाव का मुद्दा भी है और इसी के चलते हुए मामला गर्माया गया।